Hello G, welcome back to Journey जो I have by abroad. We are back with another vlog. तो जैसा कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपने YouTube पे एक वीडियो डाली थी कि हमारी कैसे PR कैंसिल होगी, कितने सारे अरमान टूट गए, इमोशंस फीलिंग्स टूट गई, दिल बिखर गया. तो अभी ये व्लॉग जो है उस वीडियो का पार्ट टू है. तो इस व्लॉग में वो मोमेंट्स जो हमें एक पार्सल रिसीव होने से लेके पीआर मिलने तक के जो इमोशंस है वो कैप्चर करेंगे. सो इस व्लॉग के मेनली 5 से 6 जो है चैप्टर्स होंगे. पहला चैप्टर जब हमें पहली बार इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से पोस्ट ऑफिस का लेटर आया था कि काइंडली आप पोस्ट ऑफिस में जाके जो लेटर इमिग्रेशन ऑफिस ने भेजा है हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस ने वो जाके रिसीव कर लो. ये हुआ 2nd of August 2024, फ्राइडे का दिन था. ये कहानी तब से शुरू हुई. दूसरा चैप्टर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट और उसके बाद पीआर का अप्रूव होना. और तीसरा चैप्टर उस पीआर के अप्रूव होने के बाद अपनी फैमिली फ्रेंड्स के रिएक्शन. चौथा चैप्टर हमें हंगेरियन इमिग्रेशन की तरफ से अपनी नेशनल रेजिडेंसी का कार्ड रिसीव होना. लास्ट बट डज नॉट लीस्ट जो पांचवा चैप्टर के हमने पीआर रिसीव तो हो गई, पीआर अप्रूव हो गई, कार्ड भी आ गया, लोगों के रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर लिए. हमने अपनी इस अप्रूवल को, अपने इस बड़े गोल को अचीव होने के बाद कैसे सेलिब्रेट किया. सो गाइस व्लॉग को पूरा देख लेना. उम्मीद करता हूँ कि यह व्लॉग आपको पसंद आएगा और बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे, स्पेशली परदेसी जो परदेश में रहते हैं. तो बाकी without any further delay let's get started. हाँ जी गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे. ये मोमेंट जो है अभी मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए. तो ये मोमेंट कैसे बड़ा है तो चलो आपको बताता हूँ. सो बात ये है कि गाइस कल हमें ना पोस्ट ऑफिस से एक लेटर आया था जो कि हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस ने भेजा था कि हमारी जो पीआर है उसका कंक्लूजन आ गया, उसका रिजल्ट आ गया. मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि इस पैकेट में, इस लफाफे में क्या होने वाला है. लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि जो भी है ना वो ज़िंदगी तब्दील करके रख देगा, क्योंकि अगर तो पॉजिटिव डिसीजन हुआ तो हम जो है खाना बनाएंगे और गरीबों में बांटेंगे. नेगेटिव हुआ तो कोई नहीं, तब भी खाना बनाएंगे और लोगों में डिवाइड करेंगे. तो बाकी
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, तो अभी जाके देखते हैं कि हमारी किस्मत में हंगेरियन नेशनल पीआर लिखी है या नहीं। वैसे आपको बताता चलूं कि तीसरी अटेम्प्ट थी, हमने तीन बार फीस भरी है, दो बार पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन आज ये तीसरा जो है पैकेट आ चुका है, तो भी देखते हैं कि अंदर जाके इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है। लिटरली गाइस, मैं ना अभी शिवर कर रहा हूँ और बात नहीं हो पा रही, क्योंकि पहले भी दो बार हो चुके हैं मेरे साथ कि यूं ही लेटर हम लेके आते थे, लेकिन उसमें जो कंक्लूजन है, जिसमें जो रिजल्ट आता था वो नो आता था, लेकिन इस बार फिर ये लेटर आ गए। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि पिछली बार जब भी नो आया था तो दो लेटर आते थे, लेकिन इस बार अभी एक लेटर आया, तो अभी पता नहीं है। आप देख सकते हो अभी ये सील पैक है, इसको मैंने खोला नहीं है। दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, सांस तेज़ हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा हमारी पीआर का। दुआएं तो बहुत मांगी है अपनी माँ की दुआ के साथ, तो चलो देखते हैं ये दुआ हमारे हक में कबूल होती है या नहीं। तो हाँ जी गाइज, सीन ये है कि हमने आपको बताया कि लेटर हमारे पास आ गए और हिम्मत नहीं है उस लेटर को खोलने की, तो चलो यार रब का नाम लेके लेटर खोलते हैं और देखते हैं कि पीआर जो है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। तो अभी ये हमने यहाँ पे फोन सेट कर दिया, उम्मीद है कि सारी चीज़ें हम जो है कैप्चर करें। तो एक पेपर ये है, मतलब ये तो खाली था शुरू में, नाम शब्द लिखा हुआ है। तो बताता चलूं कि हमारी हंगेरियन इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये आया जिसके पिक्चर लेके इसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी पहले भी दो बार रिजेक्ट हो चुकी है, इतने पैसे भी ज़ाया हो गए, रीफिल की फ़ीस की, लॉयर की फ़ीस थी वो भी ज़ाया होगी। तो लेकिन अभी डर इतना बैठ गया दिल में कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है पॉजिटिव होगा या नहीं, तो चलो अभी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसा भी रिजल्ट होगा, हम रिजल्ट जानने के बाद जो है अपनी फैमिली को कॉल करेंगे, माँ जी को कॉल करेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है, जो चीज़ है, वो मेरी माँ है। तो रिगार्डलेस इसका डिसीजन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन ये है कि अपनी फैमिली से शेयर करेंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हमने ट्रांसलेट किया है, मेरी पीआर आ गई है यार, राजा भाई की पीआर आ गई है। थैंक यू टू अल्लाह, थैंक यू फॉर लेटिंग मी टू हैव दिस मोमेंट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो लोग बाहर परदेश में रह रहे हैं वो मेरी फीलिंग समझेंगे कि हमारे लिए यहाँ की जो पीआर है, इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी एशियन कंट्री से आते हैं यूरोप में रहने के लिए, हमारे लिए पेपर्स ऐसे हैं कि ये इससे हमारी जिंद जान है। ये पेपर्स हैं, तुम यूरोप में रह सकते हैं, अगर ये पेपर्स नहीं है, ये पीआर नहीं है, तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हम लीगली रह सकते हैं। तो पहले दिन से, 6 साल पहले जब पाकिस्तान को छोड़ा था, तो हमेशा पेरेंट्स ने ये बात सिखाई थी कि हमेशा लीगल चलना है, लीगल पैसे बनाने हैं, लीगल तरीके से रहना है, कभी भी दो नंबरी नहीं करनी। तो बेशक हमारे दो बार जो है पैसे ज़ाया हो गए, दो बार हमारी पीआर जो है कैंसिल होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और लेकिन इस बार जो है थर्ड, जो हमने तीसरी बार जो पैसे डाले और तीसरी बार रीफिल के लिए अप्लाई किया, तो अभी हमारी पीआर आ गई है, उस रब का शुक्र है। मैं जितना शुक्र करूँ वो कम है। तो भी सबसे पहले इस खुशी की जो मिठास है वो मैं अपनी माँ जी से शेयर करूँगा। तो चलो जी अपनी माँ जी को कॉल करते हैं और बताते हैं उनको देसी स्टाइल में कि हमारी पीआर आ गई है, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली के साथ साथ सबसे ज़्यादा मेरी माँ जी ने वेट किया इस पीआर का। कंग्रेट्स टू जर्नी टू आई हब बाई ब्रार एंड कंग्रेट्स टू राजा भाई, ये सब आपकी दुआएं थी,
ये सब मेरे दोस्तों की दुआएं थी, मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी, पर आज हम जो है अपनी पिया लेने में कामयाब हो गए हैं। तो चलो अभी माँ जी को बताते हैं, उनका जो रिएक्शन है, जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे। तो ये थी जब हमने अपने घर में अपनी माँ जी को कॉल लगाई, हमने कोशिश की कि हर एक चीज़ को रियल रखा जाए, आपको अपने घर वालों की कन्वर्सेशन सुनाई जाए ताकि वो लोग जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो भी इस मोमेंट को देख सकें, इस मोमेंट को फील कर सकें। तो बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत, सबसे दिल बर्दाश्ता, सबसे बड़ी कॉल थी। अगर मैं इसको कुछ अल्फाज में बयान करूं तो वो ऐसे है कि टोटल मैंने अपनी माँ जी से बात की, इस कॉल का ड्यूरेशन था 18 मिनट, मुझे आज भी याद है। एक्चुअली कॉल की जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। पहला मिनट हमारा गुजरा हेलो हाय करने में, हाल चाल पूछने में, फिर पहले मिनट से ले कर 17 मिनट तक जब मैंने अपनी माँ जी को बताया कि हमारी पीआर अप्रूव हो गई है, हमारी पीआर आ गई है, तो पता नहीं न जाने क्यों क्या मोमेंट बना, क्या फीलिंग्स बनी कि मैं और वहाँ से मेरी माँ, हम दोनों इमोशन से लबरेज गिर गिरा के रोने लग पड़े। उधर से मेरी माँ रोई जा रही और इधर से मैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हम रो क्यों रहे हैं। तो गाइज 2 मिनट से लेके 17 मिनट तक हम लगातार रोते रहे। उसके बाद मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरी बहना, मेरा भाई, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2 साल पहले अपने वालिद साहब को खो दिया था, तो कुदरती मेरे मामू जान, जिनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जिनमें मैं अपने बाप को देखता हूँ, अपने बड़े भाई को देखता हूँ, तो वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो वो भी इस खुशी के मौका पे, इस मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े मौका पे प्रेजेंट थे, मौजूद थे। तो मैंने उनका भी रिएक्शन रिकॉर्ड किया और सारी चीज़ें नेचुरल रखी ताकि मैंने सोचा कि आप लोगों से कनेक्ट हुआ जाए, आप लोगों को दिखाया जाए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। चाहने वालों को ढूंढो, ना कि ऐसे लोगों को जिनका डबल फेस होता है। तो चलो जी आगे रिएक्शन देखते हैं मेरे छोटे भाई का, मेरी बहना का, वो सबसे खास बात मेरे मामू का। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो सिद्धू का गाना भी है कि चाचे मामियां दे सिर ते नहीं उठिया मैं आप बनिया, लेकिन मेरे केस में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बनने में, हाँ अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ हूँ तो उसमें मेरे ऑफकोर्स फैमिली के साथ साथ मेरे अपने अच्छे चाचे मामू का भी हाथ है। अगर वो ना होते तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। तो चलो जी आप वीडियो में रिएक्शंस को रिकॉर्ड करो, वीडियो को एंड तक देखना, इट्स वर्थ टू वॉच, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स, ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत कम आती हैं। सो द रिएक्शंस इज ऑल ऑन योर स्क्रीन, इन्जॉय इट। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। गाइस मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि आज का दिन मेरे लाइफ का बहुत बड़ा दिन था, मैं इस दिन को कभी भी भूलूंगा नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस मोमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, कैप्चर किया जाए। तो चलो जी अभी चलते हैं हम अपने दोस्त के घर और वहां पे जाके उसको आज बहुत बड़ा धमाका सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो सरप्राइज़ क्या है? वो सरप्राइज़ ये है कि हमें पी आर हंगरी की मिल गई है। तो किसी भी दोस्त को मैंने बताया नहीं सिवाय अपनी माँ जी के, अपनी फैमिली के। तो चलो आज ये सरप्राइज़ फोड़ते हैं अपने दोस्तों के सामने, वन बाय वन उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं और आपको बताएंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे दोस्तों के तासुरात, इमोशंस कैसे थे। तो अभी हम अपने इंडियन दोस्त के घर जा रहे हैं, उसने आज हमें डिनर के लिए इन्वाइट किया है और मज़े की बात है आज ही हमारी पीआर अप्रूव हुई है। दोस्त के घर जाते हैं और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसको बताएंगे कि हमारी जो पीआर है वो अप्रूव हो गई है। लीगल ड्रिंकिंग है क्या? जब आप फ्री हो जाओ मुझे बता देना, मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा।
हो भैया, बच्ची का खेल है, बच्ची का खेल। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो टाइम आ गया, वो मोमेंट आ गया, प्रतीक भाई हमारे साथ बैठे हुए। तो अभी वो बहुत बड़ा जो मैसेज मैं आपको बोला था इनके सामने एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। प्रतीक भाई बैठे यार, आपके रिएक्शन रिकॉर्ड करना है, ऑडियंस को दिखाना है। बैठो तो सही है, सिंपल बैठो, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी न्यूज़। बैठो तो सही यार। अच्छा गाइस, पहले तो इसका कुछ हल करो, इतना शायद लड़की ढूंढो इसके लिए यार पहले। अच्छा तो ये हमारे प्रतीक भैया ऑडियंस को हाय कहते हैं यार, पहले हाय कह दो यार कि हाय ऑडियंस। ठीक है तो प्रतीक भाई आप होश में हैं, बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। मैंने कहा कि जो न्यूज़ अभी मैं देने लगा आप शायद सुन के गिर जाएं, तो अच्छी बात है बैठे हुए हैं। ऐसी है ब्रू, तो सीन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मेरा जो पीआर का कल लेटर आया था मैंने बोला था, तो आज जो सुबह सीन ये हुआ कि जब मैं वो लेटर लेके पोस्ट ऑफिस गया, तो मैंने आपको कल बोला था जिम में भी कि शायद कैंसिल हो जाएगा ये वो है, तो मैं काफ़ी सैड था। एक्सप्रेशंस लाइक दो बार रिजेक्ट हो चुकी, अब तीसरी अपील थी, इतने पैसे भी लगा दिए, लाख रुपए ज़ाया हो गए। तो बात ये है कि आप तीसरे बंदे हो जिसको मैं बता दूं कि हमारी पी पी आर अप्रूव होगी। यार ब्रो अल्लाह की कसम यार, अब ब्रो जनवरी यार, I'm so much happy, मैं आपको बता नहीं सकता प्रतीक भाई। मैं ब्रो कसम खुदा की, हाँ मेरा बिलीव नहीं करोगे, जब वो मैं लेटर लेके पोस्ट ऑफिस से घर तक आ रहा था ना, 5 मिनट का फासला है। पिछले दो बार मेरी पीआर रिजेक्ट हुई है, और जब भी रिजेक्ट हुई है इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से ना दो अलग अलग लेटर आए हैं। एक लेटर में दो पेपर होते थे और एक लेटर में 7-8 पेपर होते थे, जिसमें रीजन होती थी कि आपका क्यों रिजेक्ट हुआ है ब्ला ब्ला। जब मैं आज लेके गया वो कोरियर वाला पेपर पोस्ट ऑफिस, मैंने उनको दिखाया, तो उसने मुझे एक ही लेटर दिया ना, तो मैंने कहा कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, तो मैंने लड़की को बोला कि दूसरा नहीं, एक और भी लेटर होना चाहिए। उसने बोला नहीं नहीं एक ही। मैंने ऐसे रॉक की तरफ देखा, मैंने कहा कि एड्रेस कार्ड, तो एड्रेस कार्ड वगैरह बनाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रतीक भाई वो लेटर मैंने लिया, मेरा हाथ कांप रहा था, मतलब इतना ज़्यादा शौक था, परेशान था, कि मैंने कहा कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। वो लेटर मैंने उठाया, उठा के मैंने घर की तरफ, जो 5 मिनट का फासला था ना, ऐसे खामोशी से बस ऐसे दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आज या तो फ्राइडे अपना बन जाएगा, या फिर ये वाला फ्राइडे मतलब यू नो सेम उन्हीं रातों की तरह, उन्हीं 2 दिनों की तरह जिसने मुझे डिसअपॉइंटमेंट दी है, उसी की तरह फ्राइडे हो जाएगा। मैं जब घर गया, और आपको पता हमारी इंग्रेडिएंट अच्छी नहीं है, मैंने लेटर निकाला, लेटर निकाल के प्रतीक पर मैंने जो है ट्रांसलेट किया, ऊपर 3 या 4 लाइनें लिखी थी, मुझे अभी भी याद है कि मिस्टर विराजपुर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ब्ला ब्ला ये नंबर एंड वी अप्रूव्ड योर केस। प्रतीक भाई मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा रोया। मैंने आपको जिम में भी बताया था कि मैं बहुत, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं मतलब आप तीसरे बंदे हो, तो जब मेरी पीआर अप्रूव हुई मैं रोई जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या है। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में फ़ोन लगाया अपनी माँ जी को, क्योंकि यार उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, क्योंकि जब भी मेरी रिजेक्शन हुई है ना, मेरे साथ मेरी माँ हमेशा खड़ी रही, उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, वो दिन आएगा जब सारी दुनिया, जब सारी चीज़ें आपके हक में, आपकी फेवर में आएंगी। तो मैंने फ़ोन लगाया, प्रतीक भी मैं मेरे लैपटॉप सामने पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे लेटर निकाला, मैंने ऐसे अपनी माँ जी को बोला कि सारी फैमिली को इकट्ठा करो। मेरी माँ जी परेशान हो गई, उन्होंने बोला कि शायद जॉब से कोई इशू हो गया है, या आई डोंट नो परमिट ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा सीन है। कह रहे बेटा सब ओके तो है? मैंने कहा कि ओके है, बस आप जो है ना सारी फैमिली को बैठाओ। ऐसे सारे वो मेरी बहन भाई जो है बैठ गए बेड पे। प्रतीक भी मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो मैंने मेरी मामा कहते कि यार राहत बताओ क्या हुआ क्या है। मैंने कहा कि जैसे कि बताया कि मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया था और मेरी पीआर जो है अप्रूव हो गई। कार्ड है विद इन 15 डेज, 34 तक कार्ड। यस, और सीन ये है कि प्रतीक भाई मैं जब अपनी वालदा को बताया ना, अपनी माँ जी को बताया,
मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया, ऑडियंस के लिए भी वो डालूंगा, लाइक जो कॉल हमने वीडियो कॉल पे मैं अपनी माजी से बात करता, ये लाइन बोलने के बाद ना 17 मिनट तक मेरी माँ और मैं हम रोते रहे। एक सेंटेंस बोला कि मेरी पीएड अप्रूव हो गई है और मेरी माँ और मैं, मेरी इंक्लूडिंग माई फैमिली, हम 17 मिनट तक रोते रहे। 18 मिनट की कॉल रिकॉर्ड हो गई है, 1 मिनट की बात थी, 17 मिनट हम रोए। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हम लोग देसी लोग हैं, जब एशियन लोग हैं, जब हम अपने कंट्री छोड़ के किसी यूरोपियन कंट्री या किसी और कंट्री में जाते हैं, पीएड अप्लाई करते हैं, हमारे लिए ये जान से भी बढ़कर होती है, पेपर्स एंड ऑल, हमें पूरी जिंदगी इसी चीज का रोला रहता है। प्रतीक भाई नहीं, ऐसी बात है कि पूरी जिंदगी हम पेपर्स के लिए रोते रहते हैं, भागते रहते हैं। मैं आज पूरा दिन जॉब नहीं की, सिर्फ इसी खुशी में रो रो के, बस ऐसे ही ऐसे, जब मुझे पीआर का जो कंक्लूजन मिला, रिजल्ट मिला, मैं ऐसे हाथ उठाए रब की तरफ और दुआ की के थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग माई ड्रीम टू कम ट्रू, एंड थैंक यू आई वेटेड फॉर 7 years, लिटरली 7 years, एंड आई स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ फॉरेंट्स टू गेट दिस कार्ड मैन, एंड इट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। 2nd of August 2024, आई विल राइट इट डाउन इन माई बुक, सो इन फ्यूचर वेन आई विल बी लाइक 80s or 90s, आई विल ब्रिंग माई सेल्फ थ्रू मेमोरीज ऑन दिस डे एंड थिंक अबाउट दिस ब्यूटिफुल मोमेंट मैन, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस डे, लाइक पार्ट ऑफ माई हैप्पीनेस। थैंक यू प्रतीक भाई, एंड आप भी किसी टाइम पे मेरे साथ है, भी हम रिसेंटली दोस्त बने हैं, ऑडियंस को पता होगा। तो हमारे ग्रुप में 3 PR होल्डर हो गए, 3 PR, एक तो मैं, दूसरा शुभ, तीसरा मैं, तो तीसरे साल पे ले ली थी, अल्लाह की कसम यार ब्रो, बैस की दुम यार। तो 3 PR हो गए हैं, बाकी अभी दूसरे दोस्त आ रहे हैं, तो चलो जी उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बाकी ये बंदा बड़ा सेंसिबल है, इसके लिए भी लड़की ढूंढो यार, जैसे राजा बेगली ढूंढ रहे हो ना आप लोग, इसके लिए भी ढूंढो यार। ये शायद इसको थोड़ा कमेंट्स में बता देना अपनी शायद ना इस कैसे दूर कर सकता है, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं और आपको बताएंगे। बाकी आपको बताया कि पीआर आ गई है, आज की रात गाइस ऐसी रात होगी कि आपने पहले इस मेरे किसी भी व्लॉग में मेरी वो सिचुएशन, मेरी वो हालत नहीं देखी होगी। सो व्लॉग को पूरा देखना, पसंद है लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना, और मिलते हैं सीधा दोस्तों के दूसरे रिएक्शंस के साथ। टेक केयर, चाओ गाइस। मैं आपको बताता चलूं कि अभी हमारे पास एक और, हमारे जो आपको पता है हमारे व्लॉग के दूसरे पार्टनर शुभ पाजी, तो शुभ पाजी की भी मुझे कॉल आई है कि वो भी रास्ते में आ रहे हैं, विद इन 2 to 3 minutes वो भी आएंगे। तो चलो इट्स टाइम टू रिकॉर्ड हिज रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी पीआर अप्रूव हो गई है, तो चलो जी शुभ आता है, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। गाइस दरवाजे पे नॉक हो गया है, मुझे लग रहा है कि पाजी आ गए हैं, तो चलो जी अभी उनसे शेयर करते हैं, न्यूज बताते हैं और रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हां जी सत श्री अकाल ब्रो, सत श्री अकाल, की हाल चाल है? ओया तेरी 74 नंबर बासी नहीं आंदी की हो रे, मैं भी उन दे बैठ कर आ रहा थे, बासी नहीं आई थे पाजी, मैं खड़ा रहा एक गल थोड़े नाल खड़े रहे मेरे, एक न्यूज शेयर करनी है, एक धमाकेदार न्यूज, एक पूरी सरप्राइज वाली न्यूज, नहीं नहीं अच्छी न्यूज है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। हाँ गिरीन, जो पीआर की मैंने रिक्वेस्ट डाली थी आपको पता ही है, तो दो बार उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो पाजी मुझे आज लेटर मसूल हुआ, लेटर रिसीव हुआ, लेकिन कितनी बार एप्लीकेशन पास होते हैं वो 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने वो बार पाया जेट होगा ना, खत्म हो गया ना पंगे ले। और जी मैंने तीसरी बार डाला था, आज सुबह जो है ना उसका कंक्लूजन आया, रिजल्ट आया, तो आपको बता इतना याद है सुबह लाइक 8 बजे जो तो अगले साल से पाजी उन्होंने जो है एग्जाम कंपलसरी कर दिया, तो सीन ये है कि
ठीक है प्रोमिस आज दी रात पूरी रात पार्टी एंजॉयमेंट आज दो राजा बैठा गएगा अच्छा सरदार आज गए डन हो गया चलो जी पहला जो पाई आई थिंक लास्ट ईयर गाना शुरू किया दिसंबर च पाई उस तो 6 महीने बाद उन्होंने फिर रिजेक्शन पाई रिजेक्शन तो फिर तो अपील पाई मैं कहा एक बार अपील पाई होएगी फिर रिजेक्शन पाई फिर बड़ा पुतला हो भी खत्म हो गया थेगा पर वो रिपोर्ट ले लिया ये फाइट की थी वो अपनी तो चलो गाइस ये थे हमारे सुपारी सुपारी चीयर्स पारी चीयर्स तो मिलते हैं आज की रात का जो कवरेज है आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आज हम कौन से क्लब में लेके जाने वाले और पीआर की सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे गाइस तो जैसे आपको बता दूं कि ये मेरे बॉयज हैं ये प्रतीक भाई हैं ये अपने शुभ भाई हैं तो मैंने इनको बोला है कि हमने वो बस स्टॉप आई मीन काफी दूर है आपको दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा तो बाद में जाके 500 मीटर है बाद में जाके आपको दिखाएंगे तो बात ये है कि मैंने इनको बोला कि जो बंदा वहां पे पहुंचेगा वो आज जो आखिरी में पहुंचेगा वो बंदा दूसरे दो बंदू को खाना खिलाएगा तो अभी चलो रेस लगाते हैं अभी देखेंगे कि कौन बंदा आखिर में पहुंचता है आपने दुआ करनी कि राजा भाई ना पहुंचे वरना आपको बता खर्चा हो जाएगा तो चलो जी वो बस स्टॉप रहा ये अपने रे शुभ भाई ये अपने रे प्रतीक भाई बहुत जल्दी में है बट मुझे लग रहा है कि प्रतीक भाई की किस्मत में शायद खाना खिलाना आ जाए बट लेट्स सी ओके सो I'm gonna say 3-2-1. I'm gonna say. नहीं मिले चाहिए चाहिए. नहीं नहीं नहीं. We're gonna say 3-2-1 and then we go. Okay? So I'm gonna keep the phone in my pocket. We'll show you कौन आगे जीता है, कौन सबसे पहले वहाँ पे पहुँचा है और कौन आखिरी में पहुँचा है. Okay? I'm gonna close the phone right now here. तो guys ये प्रतीक भाई हाल है. परी प्रतीक भाई हार गए ये सेकंड और ये थर्ड देख फर्स्ट सेकंड ये ऑडियंस तो मैं गिर गया भाई मेरे को पता था ये जीत जाएगा मेरे दिमाग में बोलेगा राजा बेटा पकड़ो राजा बेटा सो आपको बताते चलेंगे पाजी रास्ते में गिर गए थे इसी वजह से मैं जो है सेकंड नंबर पे आया हूं प्रतीक बस का वेट करते हैं चलते हैं आपको आगे लेके कि हम आज किस क्लब में लेके जाने वाले हैं आपको स्टे ट्यून स्टे एक्टिव मिलते हैं क्लब में तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने रेस लगाई और जो प्रतीक है वो थर्ड नंबर पे है
पहले नंबर पे छुपा जी, दूसरे नंबर पे राजा भाई, मैं फर्स्ट आया था, तीसरे नंबर पे मैं नहीं खिला रहा खाना, इतना मुझे पता है। तो अभी सेकंड थर्ड कर ले भाई, बाकी ये कि अभी अभी भूख लगी है, तो गाइस भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो, पता नहीं केड़ा बंदा झूठ बोल रहा, जो झूठ बोले उसकी मैं तो नहीं कह रहा, जो झूठ बोले उसको काला कवा काटे, उसको काला कवा, जो जो झूठ बोले उसको काला कवा काटे या काली बच्ची काटे। तो अभी देखते हैं कौन, तो भाई यार इब्राहिम जीत रहा है यार, काली बच्ची काटेगी इसको तो बाकी अभी चलो यार भूख लगी हुई है जैसे कि आपको बताया, तो अभी हम KFC जा रहे हैं, पता KFC जा रहे हैं, आपको वहाँ पे जो है हम लोग विंग्स वगैरह उठाएंगे, आपको बताया कि जैसे राजा भाई को विंग्स खाना बहुत पसंद है। विंग्स भाई ये बताओ हारे हो तो क्या दिला रहे हो हमें, बाद में सब देखे वो हिंदी में, आप दोनों इंडिया से हो, एक मिनट आप दोनों इंडिया से हो, इंडिया का एक गाना है, एक इंडिया का गाना है कि हारे हुए बंदे को बाजीगर कहते हैं। भाई बाजीगर क्या दिला रहे हैं ये बताओ, बाजीगर लो बाजीगर। मैं ऑडियंस को इतना बोलना चाहूंगा कि जो हारा है वो खिलाएगा, और जो हारा है वो मान ले वो कौन हारा है, और KFC की एक बकेट जो विंग्स की आती है वो इनफ है तीनों। तो बताना आपको ये है कि जैसे कि मैं हारा हूँ लेकिन हारे हुए को बाजीगर कहते हैं, तो इसीलिए जो विंग्स है वो ऑडियंस की तरफ से, राजा भाई की तरफ से नहीं, ऑडियंस सारे मेरे 420-25 सब्सक्राइबर हो गए, सारे जो है 5 से 10 PKR सेंड करो ताकि इनको बकेट खिलाई जाए। ब्रो नाम नहीं डुबाना पाकिस्तान का। बाकी मिलते हैं अभी आपको KFC में राजा भाई के साथ, प्रतीक भाई ऑन द राइट साइड, शुभ नवजोत ऑन द लेफ्ट साइड, and KFC right in the middle of the table. See you brother. मैसेज ये है कि जैसा कि आपने देखा कि सिद्धू मूसेवाला बोला था कि कदी कदी लगे आए कि मूसे आलिया चट थले लाया दुनिया ये सारी ने, तो इससे मुझे एक बात याद आ गई, वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि कई ऐसे लोग हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में जो मेरे दोस्त हैं प्रतीक भाई, लेकिन जैसा कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करे यार, अपने दोस्त सारे भाई, सारे भाई सब्सक्राइब करें, पता क्या शेयर करें और नोटिफिकेशंस वाला ना बेल बटन दबाए बिना जाना नहीं आ पाए। लेकिन प्रतीक मैं आपको बताता हूँ कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, लाइक पाकिस्तान से हम लोग इकट्ठे आए थे, पता है। तो मैं ऑडियंस को ये बता रहा हूँ कि यार अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, अगर मैंने कुछ चीज़ें हालात से सीखी हैं तो जो यारी दोस्ती है ना वो क्वान्टिटी ओवर क्वालिटी करो, क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए देन क्वान्टिटी, क्वान्टिटी कम कर दो, वो दोस्त जो आपकी सक्सेस से जलते हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो दोस्त जिन्होंने मुझे YouTube पे फॉलो नहीं किया या YouTube पे मुझे सुनना नहीं चाहते वैसे मुझे कॉल करके पूछते हैं ब्रो PR का क्या बनना है, और PR के लिए व्लॉग डाला हुआ है, व्लॉग जाके देखो, वो लोग जो वीडियोस नहीं देख रहे फॉलो नहीं कर रहे कि कहीं राजा भाई सक्सेसफुल हो जाएं, उन लोगों के लिए मैसेज है, अगर मैंने पिछले एक महीने से तुम लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं किया ना तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग मेरी फ्रेंडशिप से बाहर हो भाई, मैंने रियलिटी बोल दी है, क्वान्टिटी ओवर क्वालिटी, क्वालिटी चूज करेंगे, क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए। फ्रॉम द लास्ट 6-7 years मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं लेकिन अभी मैं क्वालिटी वाले दोस्त बना रहा हूँ, अगर एक महीने में मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे बात की है, आप क्वालिटी वाले दोस्त हो, अगर मैंने एक महीने से आपसे कांटेक्ट नहीं किया तो मतलब आप क्वांटिटी में आते हो एंड आई डोंट नीड यू, दैट्स फॉर श्योर। लेट मी एक्सप्लेन यू क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क क्या है, क्वांटिटी मीन टू सपोर्ट, क्वांटिटी मीन सपोर्ट ईच अदर, और क्वालिटी मीन्स व्हेन यू सपोर्ट ईच अदर, लाइक फाइट फॉर ईच अदर, स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, सो दिस इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो बाकी आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप क्वांटिटी में आते हो क्वालिटी में आते हो, इट्स अप टू यू। बाकी नाउ दिस इज द टाइम फॉर मी टू टेक यू ऑन KFC एंड दीज आर इन क्वालिटी,
सो वी गोना शो यू द क्वालिटी ऑफ KFC विद क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स एंड मिलते हैं, आपको टेस्ट बताएंगे, आपको KFC दिखाएंगे और फिर उसके बाद वहां लेके जाने वाले हैं जहां पे आप कभी नहीं गए होंगे, जिसका नाम है द वन एंड ओनली तो मिलते हैं KFC, KFC के बाद फुगाश, फुगाश के बाद वो जिसने मुझे जो भी हो भाई सब प्यार में रहेंगे, सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अभी जा रहे हैं KFC की तरफ। तो रास्ते में आपको बताया कि जो अच्छे व्यूज आते हैं वो आपको राजा भाई दिखाते हैं, ऐसे व्यू जो राजा भाई से सिमिलर हैं। तो ऐसे एक व्यू आ गया हमारे पास, तो चलो आपको दिखाते हैं। 3, 2, 1 हियर वी गो। अभी थर्ड डे है और आप देख सकते हो अभी मतलब बुडापेस्ट में अराउंड 11 PM बज रहे हैं, फिर भी कितने सारे लोग निकले हुए हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। वो सिद्धू की एक लाइन मुझे याद आ गई कि दबना नहीं, क्योंकि असि ऐसे कारचू आए हैं जिथे दबना सीखिया नहीं है। तो बाकी ये जो व्लॉग आ रहे ना, ओए होए, ये व्लॉग मैं आपको पहले बता दूं कितनी बंदियों की इस व्लॉग से उड़ जानी है। आप समझ गए होगे कितनी बंदूक की इस व्लॉग से उड़ जाएगी। तो बाकी अभी अपने दोस्त आ रहे हैं पीछे, शुभ, नवजोत, आनंद और प्रतीक भाई, उनका वेट करते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं द वन एंड ओनली KFC। अभी आपको पता है कि किसी भी मार्केट में, किसी भी KFC या मैकडोनल्ड में आप चले जाओ, अगर कोई देसी बंदा काम करता है ना, उसके काम करने का फ़ायदा यही होता है। अभी बंदा अपना लगा था, पाकिस्तान से, लाहौर से था, मुझे इसका नाम नहीं आता, तो उसने अपने बिहाफ पे हमें 25% डिस्काउंट दिया, साथ में ये 3 कोला के ग्रास फ्री दिए हैं। पाजी और प्रतीक भाई दोनों इंजॉय करें। तो बताने का मकसद यह है कि जहाँ भी अपने बंदे मिले यार, बंदूक से तावन किया करो, बंदूक से कॉम्प्रोमाइज़ किया करो और फ़ायदा दिया करो, क्योंकि अगर आप अपने लोगों के पैसे, अपने बंदूक के पैसे सेव कराओगे तो वो पैसे अपने मुल्कों में जाएंगे, हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, तो आपको पता है कर्जे उतरेंगे और लाइफ अच्छी होगी। अभी चलो, मैं रेस हारा था, रेस हारना बहुत महंगा पड़ गया, आपको पता है रेस हारना बहुत महंगा पड़ गया। तो चलो अभी हम भी विंग्स पहनते हैं, विंग्स खाते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे
वो हमें मिली थी लास्ट टाइम और छोड़ के निकल गई किसी और बंदे के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अभी बुडापेस्ट में ऑलमोस्ट सुबह के 9:30 हैं और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि राजा भाई सुबह सुबह आपने कैमरा ऑन कर लिया, आप रिकॉर्डिंग करने लग पड़े। यार मोमेंट ही ऐसा था, बात ही ऐसी है कि मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड किया जाए क्योंकि अभी क्या होने वाला है मुझे खुद भी नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ और परेशान भी हूँ और एट द सेम टाइम खुश भी हूँ, लेकिन पता नहीं है कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है। तो बताना आपको ये है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीक फ्राइडे को बताया था कि हमारी जो पीआर है उसका हमें इमिग्रेशन ऑफिस से पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर आया था। जब हम वो लेटर उठा के पोस्ट ऑफिस गए, हमें इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से जो है एक पेपर, एक लेटर मौसूल हुआ, रिसीव हुआ, जिस पे लिखा था कि हमारी जो पीआर है वो अप्रूव हो गई है। तो बेसिकली जब भी हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस से या हंगेरियन सरकार की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो वो हंगेरियन लैंग्वेज में लिखा होता है और आपको पता है कि राजा भाई की हंगेरियन बहुत हैवी है। तो हमने गूगल ट्रांसलेट किया और काफ़ी अपने हंगेरियन दोस्तों को भी दिखाया तो उन सब ने बोला था कि हमारी जो पीआर है उस जो केस है वो अप्रूव हो गया। तो बड़ा खुश हुआ। ऑफ कोर्स आपने देखा भी कि व्लॉग में जो है हमने कैसे वो मूवमेंट्स कैप्चर किए, लेकिन उसमें एक मसला ये था कि उन्होंने ये नहीं लिखा था कि हमारा जो कार्ड है वो अप्रूव हुआ है या जो हमारा जो केस है वो अप्रूव हुआ है। तो उसको लेके मैं परेशान था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि नहीं, अगर केस अप्रूव हो गया तो इसका मतलब है तुम्हारा कार्ड जो है पीआर का कार्ड है वो भी अप्रूव हो गया। तो उन्होंने बोला कि विद इन 10-15 days जो है आपका कार्ड आ जाएगा। तो मैं खुश था, अभी हम लोग इन्जॉय कर ही रहे थे कि सोच रहे थे कि इसी वीकेंड जो है, आज थर्सडे है, सैटरडे को पार्टी करेंगे, दोस्तों को जो है खाने पे इनवाइट करेंगे। मगर इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से पोस्ट ऑफिस के लिए एक और लेटर हमें जो है रिसीव हुआ है, तो जिसने हमें जो है दहला के रख दिया है, जिसने हमें परेशान कर दिया है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मेरा कार्ड अप्रूव हो गया तो वो तो 10-15 दिन में आना चाहिए, लेकिन ये पिछले फ्राइडे को मेरा जो लेटर इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से आया था वो अप्रूव होने का था, लेकिन आज जो है थर्सडे है। तो फ्राइडे वीकेंड्स को निकाल दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, आज चौथा दिन है। चौथे दिन बाद आज फिर जो है हमें एक लेटर आ गया है इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से। ये पोस्ट ऑफिस का है, आप देख सकते हो इस पर लिखा होगा पोस्ता। तो ये बेसिकली ये लेटर पोस्ट ऑफिस का है और इस पर लिखा है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर जाके आपका इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से कुछ लेटर आया है। तो अब मुझे नहीं पता कि वो लेटर में क्या होने वाला है, इधर वो हमारा एड्रेस कार्ड होगा, हमारी नेशनल पीआर होगी या फिर कुछ और चीज़ें मिसिंग होगी। और आप मेरी आंखों से देख रहे होंगे कि थोड़ी सी सूजी हुई है क्योंकि कल रात को परेशानी इतनी थी, बार बार माइंड में आ रहा था कि व्हाट इफ़ अगर इस बार फिर कैंसिल हो जाएगी या डिसीजन चेंज हो जाएगा। पता है हम लोग देसी बंदे हैं ना, जब भी हमारा पेपर्स से रिलेटेड कोई सिचुएशन चल रही होती है तो हम लोग बड़े परेशान होते हैं। तो कल रात से मैं प्रॉपर सो नहीं पाया, बस यही वेट कर रहा था कि कब सुबह हो और ये जो लेटर है मैं ये लेके पोस्ट ऑफिस जाऊँ, वहाँ से जो है लेटर रिसीव करूँ और देखूँ उसमें है क्या। तो चलो जी, बैग हमने ये उठा लिया है, इसमें हमने वॉलेट वॉलेट डाल लिया, आईडी डाल लिया, तो आपको लेके चलते हैं उधर पोस्ट ऑफिस में, लेटर रिसीव करते हैं, रब का नाम लेके लेटर रिसीव करेंगे और उसको खोलेंगे आपके साथ और हमारी वालदा को दिखाते हुए उनकी प्रेजेंस में, आई मीन प्रेजेंस फिजिकली नहीं, कैमरे के थ्रू हम आप और अपनी वालदा से मिलके वो लेटर खोलेंगे और देखेंगे उसमें है क्या। तब तक के लिए दुआ करना और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि आज जो है हमारी दिल की जो मुराद है, हमारी जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। तो गाइस बताना आपको ये था कि जैसा कि हमने कहानी आपको समझा दी है ऊपर, तो अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस के आ रहे हैं ये वाला लेटर जो हमने आपको दिखाया ये लेके, और चलो फाइंड आउट करते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से क्या है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि गाइस ये जो वॉक है 5 मिनट की वॉक मुझे हमेशा मेरी ज़िंदगी में याद रहेगी, ये सबसे वैल्यूएबल, सबसे ख़तरनाक
एट द सेम टाइम सबसे बड़ी खुशी वाली बात होगी अगर हमारा जो डिसीजन है वो पॉजिटिव आ गया। तो अभी सुबह के मॉर्निंग का टाइम है, ये लोग चल रहे हैं, सारे कामों को जा रहे हैं, भी काम पे जाने वाले थे लेकिन जो है हमें लेटर रिसीव हुआ और हमने सोचा कि ये प्रायोरिटी है, पहले इसको निपटाते हैं और फिर जो है काम की तरफ निकलेंगे। जूं जूं पोस्ट ऑफिस हमारे पास आता जा रहा है, अगर मैं आपको दिखाता चलूं वो सामने ये दो तीन बिल्डिंग छोड़ गए, उससे आगे जो हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो जूं जूं पोस्ट ऑफिस हमारे पास आता जा रहा है, हम शिवर कर रहे हैं एंड आई होप के ये जो डिसीजन है हमारे हक में हो, क्योंकि मेरे से वो लोग रिलेट करेंगे जो यूरोप में रहते हैं या जो परदेसी हैं कि पीआर हमारे लिए क्या है, नेशनल पीआर या पेपर वर्क हमारे लिए क्या है जब हम यूरोप में कच्चे से पक्के होते हैं। तो गाइस अगर आप देख सकते हैं वो आगे पोस्ट ऑफिस है, कोई नहीं अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है पोस्ट ऑफिस, वो रहा पोस्ट ऑफिस हमारे सामने। तो चलो यार इस बिल्डिंग में अल्लाह का नाम लेके चलते हैं और देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या आ गया हमारा। मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी बहुत ज़्यादा परेशानी और दिल कांप रहे हैं, ऐसे पूरा पूरी बॉडी शिविर करी है क्योंकि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है मंदिर आ चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं इससे एक और ऊपर मंजिल जाएंगे, ये सामने पोस्ट ऑफिस है जहां हम जो है लेटर देंगे और देखेंगे कि इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से हमें क्या रिसीव हुआ है। चलो यार रब का नाम ले लिया, अब देखते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं है कोई चीज़, हम चेंज कर सकते हैं। चलो अंदर देखते हैं जाके के क्या हमें मिलेगा। तो गाइस सीन ये है कि जो हम लेटर लेने आए थे पोस्ट ऑफिस से वो लेटर तो मिल गया और परेशानी ज़्यादा बढ़ी है, इसको खोलेंगे नहीं अभी, इसको गर्दन के खोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम संभाल नहीं पाएंगे, क्या पता रो देंगे या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो चलो इसको यार घर ले के चलते हैं, घर जा के जो है आपसे एंड अपनी फैमिली को कॉल पर लेंगे, खोलते हैं और देखते हैं इसमें है क्या, कुछ डिफरेंट है। और अगर मैंने इसको प्रेस करने की कोशिश की इसमें कार्ड तो नहीं दिख रहा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कार्ड होगा लेकिन इसमें कार्ड नहीं दिख रहा। लेट्स सी कि चीज़ें कैसी होने वाली हैं। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं कि हम लोग पोस्ट ऑफिस से निकल चुके हैं और परेशानी बढ़ती जा रही है, इसी वजह से मुझे ना अपने एक पापा की बात याद आ गई, वो कहते थे कि पंजाबी में कि पुत्र हर मुश्किल टाइम तो बाद में चंगा टाइम आंदा है। मेरा मुश्किल टाइम था जब दो बार मेरी पीआर रिजेक्ट हुई थी और अभी जो है पिछले हफ्ते में अप्रूवल का लेटर आया था, तो अभी इस बार जो है तीसरा लेटर आया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा कार्ड होगा लेकिन अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने इसको प्रेस करने की कोशिश की इसमें कार्ड तो दिख नहीं रहा, लेकिन चलो यार क्या पता कुछ सीक्रेट हो हमारे लिए, घर जाके फाइंड आउट करते हैं इसमें है क्या। आई थिंक मेरे से वो वाले बंदे कम्प्लीटली एग्री करेंगे या कनेक्ट करेंगे जो मेरी तरह कनाडा यूएसए कहीं भी किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और उन्होंने भी पीआर के लिए कभी ना कभी अप्लाई किया होगा या भी की हुई है और वेट कर रहे हैं डिसीजन का, अगर डिसीजन आ भी गया तो कार्ड का वेट कर रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे जो ये 5 मिनट की वॉक है मुझे हमेशा याद रहेगी, बेशक मैं आप लोगों से बातें करूँ लेकिन हर एक चीज़ सराउंडिंग मेरे माइंड में कैप्चर होती जा रही है। हमारा जो घर है ऑलमोस्ट लाइक 2 से 3 मिनट के फासले पे है,
तो ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, बस मैं कह दूँ कि जल्दी से अल्लाह करें कि हम घर पहुँचें, इसको खोलें और फाइंड आउट करें कि क्या ये हमारी तकदीर लिखने वाला है, क्या ये हमारी लाइफ बना देगा, क्या ये हमें कच्चे से पक्का कर देगा, क्या ये हमें अगर पॉजिटिव डिसीजन आया तो आज फिर खुशी के आंसू देगा या फिर वाइस वर्सा। यकीन है, उम्मीद है, मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मेरी फैमिली की दुआएं थी, तो यकीन जो बिलीव है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कभी भी टूटने ना दो। तो अभी हमारा बिलीव है, तो चलो यार आपको ऊपर लेके चलते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ये हमारी बिल्डिंग है सामने, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और चलो यार जल्दी से भागते भागते ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज क्या होने वाला है। बाय द वे आज की डेट मैं आपको बताता चलूँ, ये याद कर लेना ये डेट, और व्लॉग में भी मैं ऐड कर दूंगा, 08/08/2024 जब हमें अपना इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से लेटर रिसीव हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में बोला था कि ये लेटर हम खोलेंगे आप लोगों के साथ और हमारी जो फैमिली है इनके साथ, तो मैंने अभी पूरी अपनी फैमिली को ले लिया साथ। तो चलो यार देखते हैं इस लेटर में क्या है जो हमें इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से आया, और पता नहीं इसमें पॉजिटिव डिसीजन है या नेगेटिव डिसीजन है वो रब जानता है या इमिग्रेशन ऑफिस वाले जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ये मोमेंट को कैप्चर करें। तो ये रही हमारी फैमिली हमारे साथ, क्योंकि इन लोगों ने भी हमारे दुख सुख सभी मोमेंट्स में ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो अभी टाइम आ गया कि ये मोमेंट जो रिकॉर्ड किया जाए। सो 3, 2, 1 गो। तो मैं थोड़ा फैमिली को बताता चलूं कि ये लेटर जो है हमें इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से आया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले फ्राइडे को हमारा जो है हमें एक लेटर रिसीव हुआ था कि हमें अप्रूवल आई थी, और जो अप्रूवल के बाद नेशनल पीआर का कार्ड आते हैं उसको ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन अभी मुझे 4 दिन हुए हैं और मुझे ये अगला कार्ड आ गया, अगला लेटर आ गया, तो मैं थोड़ा परेशान भी हूँ कि इतनी जल्दी कार्ड बन नहीं सकता, लेकिन हमारे केस में इतनी जल्दी क्या चीज़ आ गई। तो चलो गाइस रब के नाम लेके इसको शुरू करते हैं, 3, 2, 1 हियर वी गो। ओके, ये इस पे हमारा नाम लिखा हुआ है और ये है लेटर। मेरी पीआर आ गई। गाइस हमारी पीआर आ गई, मैं आपको बता नहीं सकता, ये है हमारा कार्ड, ये है हमारी फैमिली। ओह माय गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार, मेरी पीआर आ गई वो भी 4 दिन में। अब ये मेरी फैमिली पीछे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है फी पी आर आ गई है। मैं जितना शुक्र करूं रब का, जितना शुक्र करूं अपनी फैमिली का कि इन्होंने मुझे हर एक मोमेंट पे हर एक टाइम पे सपोर्ट किया है, तो थैंक यू टू अल्लाह, थैंक यू टू माय फैमिली। जैसा कि मेरी पीआर 2 बार रिजेक्ट भी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने हमेशा मुझे हौसला दिया कि बेटा नहीं, हर मुश्किल टाइम के बाद आसान टाइम आता है। तो आज हमारी पीआर आ गई है, तो बताने का मकसद ये है कि आज मेरी फैमिली भी पाकिस्तान में बैठ के रात का डिनर पिज्जा एंड शवारमे करेगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो पीआर के रिएक्शंस हैं, दोस्तों के साथ जो हमने शेयरिंग की उसके जो रिएक्शंस आपको दिखाए, और सबसे खास बात अपनी फैमिली का जो रिएक्शन आप लोगों से शेयर किया होगा, आपको पसंद आया होगा, और आप इस पीआर की जो वैल्यू है मेरी लाइफ में और मेरे जैसे कितने ऐसे देसी परदेसी लोग हैं उनकी लाइफ में समझेंगे। तो बाकी मैंने आपको बताया कि हमेशा यार ऐसे चुनो जो किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे आपके साथ खड़े होने में देर ना लगाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीआर हमारी आई, लेकिन हमसे ज्यादा खुश हमारी फैमिली
और फैमिली से बढ़ के हमारे दोस्त हैं। इसकी जीती जागती मिसाल हमारे शुभाजी हैं कि लास्ट फ्राइडे को हमारी पीआर अप्रूव हुई और इस थर्सडे को मतलब चार दिन बाद हमारा जो पीआर का कार्ड है वो आ गया। और जब मैंने अपने शुभाजी और जितने भी दूसरे दोस्त हैं सबको बताया कि हमारा कार्ड भी आ गया, तो उन्होंने बोला कि ये कार्ड मुझे पता है कि तेरे लिए कितना वैल्यूएबल है और तूने कितनी मेहनत, कितना पैसा, कितना टाइम लगाया इस कार्ड के लिए, तो इस मोमेंट को लाजमी यादगार बनाएंगे, लाजमी मेमोरेबल बनाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे करेंगे कि हम बनाने जा रहे हैं आज एक बिल्कुल तगड़ा बकरा, राजा भाई की तरह बकरा बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, रायता बना रहे हैं, साथ में रोटियां होंगी। 8 से 10 लोगों को हमने इन्वाइट कर लिया, बैठ के खाना खाएंगे, लंच एक साथ करेंगे। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 11 बुडापेस्ट में, सो 3 से 4 घंटे में जो है खाना हम बना के रेडी हो जाएंगे। दोस्त आएंगे, आपको उनसे भी मिलाएंगे, उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उनको बताएंगे कि हमारी जो पीआर है वो अप्रूव होगी और हमारा जो पीआर कार्ड है वो हमारे पास है। तो बाकी है कि यार क्वालिटी वाले बनाओ। मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरी फ्रेंड लिस्ट में बुडापेस्ट में इतने सारे दोस्त हैं मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जहाँ पे ऑलमोस्ट हर नेशनैलिटी का बंदा मेरे साथ पढ़ा है। मजे की बात है कि पाकिस्तानी दोस्त भी हमारे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऊपर से वो दोस्त हैं अंदर से वो सप हैं ब्रो, सप। वो कहते हैं यूरोप में वैसे तो सप नहीं होते, लेकिन इन सेम नेशनैलिटी वाले हमेशा काटने पे लगे रहते हैं, तो अपनी नेशनैलिटी वाले बंदू से थोड़ा बच के रख रहे, उनके कहने पे मुंह पे वो आपके दोस्त होंगे लेकिन इंटरनली वो आपको जड़ों से काटने में लगे रहेंगे। ऐसे कितने मेरे दोस्त हैं जो मुंह पे तो मेरे लिए जान भी देते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि हमने यूट्यूब शुरू किया हुआ है, अगर मैं उनका फोन खोल के चेक करूँ ना तो वो अंदर से सब्सक्राइब तक नहीं करते। तो ये चीज़ ये शो करती है कि हर अच्छी चीज़ कहने वाला आपके बारे में आपका वेल विशर नहीं होता। ऐसे नाग, ऐसे शैंपू से बचो, यार ढूंढो शुभ जैसे, यार ढूंढो क्वालिटी वाले। फिलहाल चलो आपको थोड़ी सी यहाँ की सराउंडिंग दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि अभी हम ऑलमोस्ट लाइक 31st मंजिल पे खड़े हैं, 31वीं मंजिल पे खड़े हैं। मौसम इतना प्यारा बन रहा है, सनी डे चल रहा है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, तो चलो अभी आपको इसका 360 व्यू दिखाते हैं और बाकी फिर जब हम बाहर जाएंगे, जब हम खाना खाएंगे और टाइम टू टाइम जो है मोमेंट्स एंड क्लिप्स आप लोगों से शेयर करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू शो यू द 360 व्यू। आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1 हियर वी गो। आप देख सकते हैं कि कितना शांति वाला माहौल है। ये नीचे देख सकते हैं कि लोग जो हैं समर इंजॉय कर रहे हैं। बुडापेस्ट कमेंट्स में आप लोग लाजमी बता देना कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा व्यू या फिर राजा भाई की सेलिब्रेशन और या फिर ऑल टुगेदर राजा भाई।
गाइज ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। दूसरे ब्लॉग्स की तरह हमने कोशिश तो पूरी की कि आपको 100% दिया जाए, आपको 100% चीजें दिखाई जाएं। पीआर रिएक्शंस, कार्ड का रिसीव होना, फैमिली का रिएक्शन, दोस्तों का रिएक्शन, खाना पीना, उसके बाद पार्टी, और सबसे खास बात हर एक चीज हमने रियल रखी। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। हमने 100% दे दिया, नाउ इट्स योर टर्न, आपकी बारी है इस व्लॉग को 100% लव देना। बाकी टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, चाओ।